और कितना संघर्ष किया गया और उसके बाद आज देश आजाद हुआ है। तो हम लोगों को इस बिहार, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को अपनी भूमिका को निभाना है, देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आजादी मिली है तो इसका जो सबसे बड़ा राष्ट्रपिता बापू ने जो दिया है उपदेश, और वह दिया है कि हम सब लोगों को आपस में एकजुट होकर के रहना, प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम रहना चाहिए। चुनाव होता है, सबको अधिकार है अपने अपने ढंग से वोट डालने का, लेकिन वह एक अलग चीज है। लेकिन समाज में प्रेम का और भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत का और प्रेम का भाव रहना चाहिए। हम तो यही आग्रह करेंगे। ये प्रतिमाएं स्थापित की गई और आजादी की लड़ाई में लोगों की भूमिका के बारे में जो बताया गया है, तो इससे सबक लेकर के और एक एक चीज को सोचना चाहिए कि आगे हम इसको, समाज को बेहतर कैसे बनाएं और आगे विकास के रास्ते पर कैसे चलें और आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का वातावरण रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग भी जो शामिल हुए हैं, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और पुनः मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मेरा जन्म स्थान है वहां पर जो आज ये काम किया आपने, इसके लिए वक्त दिया, समय दिया, मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल और मैट्रिक तक, आज जो स्कूल में कॉम्प्लेक्स में हर जगह हम लोगों ने देख लिया था कि जो स्कूल का कॉम्प्लेक्स है वहां पर बने, और आप देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्र में बने, प्रखंड कार्यालय परिसर में बने, और फिर जो न्यू बाईपास रोड पर बने डाकबंगला परिसर में, तभी तो शुरू करा रहे थे रामचंद्र भारती। लेकिन इसके अलावा बाकी सब जगह का चयन सब लोगों ने मिल करके किया, अब सब लोगों की प्रतिमा स्थापित हो गई।